morning. Now it's afternoon almost. So today we are going to continue this chapter of 19 chapter. Yes, 19 chapter. And previously we discussed about the meaning and the introduction regarding human development. Statistically we also discussed. Now we will continue this chapter. Since 1990, Human Development Report, HDR, is published every year. Human Development Index of 188 countries included in Human Development Report 2015 is divided into four sections as per details given in the table. Norway, 0.944, tops the list. Australia, 0.935, is placed on second position, and Switzerland, 0.930, on third position. There is chances that they will ask a human development report, rare chances, and you don't have to remember this 0.944, whatever. Just prepare first rank Norway, second rank Switzerland, sorry, second rank Australia, third rank Switzerland, that's it. Why Asian country Singapore, 0.912, is on 11th position. India with HDI, 0. We are best. 130th rank पे हैं हम. मतलब ये जन्म में चांस नहीं है वहां पहुंचने का जहां पे नॉर्वे है. हम डायरेक्ट नॉर्वे जा सकते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम पूरे कंट्री को आगे ही बढ़ा रहे. 609. ये जो कंट्री है ना सिंगापुर, इसकी शॉर्ट स्टोरी में बताऊं तो ये मुस्लिम कंट्री है सिंगापुर, और ये इससे पुरानी नहीं है लेकिन इससे ज्यादा गरीब थी ये सिंगापुर. ठीक है, स्टोरी कुछ इस तरह का था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ये जो एरिया होता है ना, ओके, इस मतलब ओशियन पोर्शन अगर किसी कंट्री के पास है ना तो उसके पास ट्रेडिंग का काफी पावर होता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड करना सस्ता होता है. ओके, जैसे हमारे पास इतना पोर्शन है, ओके, इनके पास, एंड ऑयल के हेल्प से उन्होंने काफी आगे बढ़े. उसके बाद इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में किया. दुबई इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि पहले उनके पास था नहीं, वो जिस जगह पे है उनका फ्यूचर अभी भी खतरे में, लेकिन उन्होंने ऑयल के दम पे पैसा कमाना स्टार्ट किया. पहले यू नो ना, ऑयल सबसे ज्यादा मिलता है अरब कंट्रीज में, तुमने सुना होगा तो तेल ही बाहर आएगा, तो अरब कंट्रीज में दुबई आती है, तो उन्होंने ऑयल से अर्निंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वो सारा पैसा जमा करके वो टूरिज्म में डाल रहे हैं. कल तेल खत्म हो गया तो टूरिज्म नहीं खत्म होगा. आज वो अकेली दुनिया में ऐसी जगह जहां पे पुलिस को मर्सिडीज सॉरी लैम्बोर्गिनी कार दी जाती है पुलिस को पकड़, चोर को पकड़ने के लिए, तो उनकी भी तो लाइफ कितनी जोरदार है, और रोड भी इतनी अच्छी होती. तो ये एक एग्जांपल था कि ये कंट्री मतलब पोजीशंस क्यों बदल रहे हैं. हमने तो पूरे इंडिया को बेस से पढ़ा है, ओके, हिस्ट्री अगर पहले से हम होते हैं, वो ऑफलाइन होते तो हम हिस्ट्री से पढ़ते कि ये लाल इतनी आसानी से नहीं, उसको लाल बनाया गया है. जस्ट पॉइंट, हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडिया का देखा जो कितना वीक है. हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री वीक होने का रीजन क्या है, हमारे पास सोर्स की कमी है, इसलिए ये रैंकिंग में हम पीछे हैं. ओके, इट्स नॉट के इसको आगे नहीं ला जा सकता, लेकिन इसको 130 से 100 पहुंचाने में भी हमको बहुत साल लग जाएंगे. जैसे ये कंट्रीज है, ये 11th पोजीशन पे, छोटी सी कंट्री है ये, ओके, बहुत टेक्नोलॉजी है वहां पे, काफी एम्प्लॉयमेंट है वहां पे, और उन्होंने अच्छे नॉर्म्स कंडीशंस लिए हैं. एक और चीज, हमारा पॉलिटिकल कंडीशन भी हमें तोड़ के रख चुका है. ओके, जैसे कि कम्युनिज्म है चाइना में और इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो चाइना में गवर्नमेंट ने बोला ना दिन, तो सब दिन ही बोलेंगे, और बोलेंगे रात, तो छह मार्कों को रात ही बोलना पड़ेगा. सिंपल स्टेटमेंट, वो जो बोलते हैं पब्लिक मानती है. यहाँ हम पब्लिक गवर्नमेंट एक्स बोलती है, पब्लिक वाई बोलती है. अभी हाल ही में फार्मर का जो केस चल रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है. गवर्नमेंट सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करके, और ऊपर से गुजरात में अब इलेक्शन आने वाला है, लगे हैं सब अपने अपने प्रदर्शन करने में. एक चीज, जहां मैं रहता हूं उस एरिया में आम आदमी पार्टी का बैनर लगा हुआ था, आज लगाया गया था, मतलब एग्जांपल, नेक्स्ट डे आम आदमी का बैनर यूं था, उसके नेक्स्ट डे यूं था, सारे मेंबर गायब, आम आदमी पार्टी का बैनर तोड़ दिया. मींस एक जस्ट अ फैक्ट के वो प्रमोशन पे लगे हुए हैं और यहाँ सब डिमोशन करने में लगे हुए.
चलिए, तो बस ये पॉइंट बोलना था कि ये जो पोजीशंस होते हैं इसके फैक्टर्स में हम भी हैं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी आता है, हमारी हिस्ट्री भी अफेक्ट करती है और हमारा पॉलिटिकल पावर भी अफेक्ट करता है। और ये वाला हमने पढ़ा था, करप्शन भी बहुत अफेक्ट करता है इस रैंक को पीछे ले जाने में। इसलिए आप जैसे कुछ स्टूडेंट जैसे बोलते हैं कि हमको विदेश पढ़ने जाना है, तो हम जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है लोग नहीं, शी इज आल्सो राइट टू से अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। जनरली पेरेंट्स है कि हाँ तुम जाओ बाहर पढ़ने, अगर तुम अच्छी हो और फाइनेंशियली स्टेबल है तो ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलत नहीं लेंगे हम कुछ वर्ड्स को। इज एट 130th पोजीशन अमंग 188 कंट्रीज, इट मींस इट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इन्होंने बताया है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में ऑर्डर दिया गया है 1 to 49। तो जो कुछ कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, अमेरिका, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको वार्ता की तरह सुनना है और वार्ता की तरह लिखना है। सेकेंड में बताया है हाई, ओके, हाईएस्ट, सॉरी लो, मीडियम, हाई, हाईएस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सब कंट्रीज जो बहुत जाने माने, फ्रांस, जापान, इतना सा कंट्री है ये फिर भी बहुत खतरनाक है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे आगे है, ब्रिटेन आपको पता है, नॉर्वे आपने पढ़ा, ये भी सब कंट्रीज काफी सारे आगे हैं। फिर ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो जिसके ये रशिया, मलेशिया, ये कंट्री पर देखोगे, हमें हमें जितने भी ये मैंने पहले बताया था वेपन्स मिलता है हमको यहीं से मिलता है, मोस्ट ऑफ वेपन्स हमको यहाँ से मिलता है। इनके पास ऑब्वियसली तेल बहुत सारा मात्रा में अवेलेबल है। श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजील, चाइना, थाईलैंड, जमैका, ये जो कुछ कंट्रीज है ना, थाईलैंड, ये बहुत महंगी कंट्री नहीं है इंडिया कंपैरिजन में, क्योंकि करेंसी रेट इसका डाउन है हमसे, जहां तक मुझे पता है कि थाईलैंड, म्यांमार आपने सुना होगा उसकी भी करेंसी रेट डाउन है हमसे, नेपाल की भी है, बट देन ऑल्सो करेंसी रेट डाउन होने की वजह से भी यहाँ पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, क्योंकि इन्होंने अपने जो कंट्री को भी अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या डेवलपमेंट खुद को कैसे बनाएगी, आपके पास जितना रिसोर्स है उसका फुल यूटिलाइजेशन ही नेसेसरी है। आपके पास तेल है, आपने सबका तेल निकाल दिया, ये सबसे अच्छा कंट्री। कुछ कंट्री से दुबई कहीं नहीं आई है, मतलब हम कोई बात नहीं, ये और ये कुछ कंट्रीज है इन्होंने टूरिज्म में बहुत मेहनत की है क्योंकि ग्रीनरी प्लेस है। फिर एक इंडोनेशिया भी आपने सुना होगा, वो भी है नहीं पता नहीं, जो भी हो, हाँ ये रहा इंडोनेशिया, ये हम सब साथ में आएंगे, तो ये जो है वो टूरिज्म में कमा रहे हैं, ओके। और आपने मालदीव सुना होगा, मालदीव ये नजीक ही है इंडिया से, बहुत दूर नहीं है, देन ऑल्सो इट इज दूर, ओके। ये सब टूरिज्म में बहुत अर्निंग करते हैं, मतलब टूरिज्म वो सोर्स है कि पहले कमाओ तेल से या तो इंटरनल रिसोर्स से जो आपके पास है या टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और बाद में इन्वेस्टमेंट कर दो टूरिज्म से। टूरिज्म में क्या होगा, क्योंकि अगर आप तेल बना रहे हो या तेल कर रहे हो तो आप बेचना बेचोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आएगा सब कुछ मैटर, लेकिन अगर टूरिज्म आपका मजबूत बन जाता है तो क्या होगा, लोग दुनिया भर से आपके वहां आएंगे खुद, जब जितनी पब्लिक आएगी आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, और आपके वहां बाहर से आएंगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स का कोई मसला नहीं रहेगा, डायरेक्टली लेन देन की बात होगी। तेल अगर टन में जाएगा तो हमें गवर्नमेंट में चार्ट में सब कुछ दिखाना पड़ता है हर एक चीज, लेकिन टूरिज्म में पैसा कमाने से फायदा होता है, गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट नहीं देना पड़ता और उसका अर्निंग काफी पावरफुल है। अगर आपने कुछ यूनिक बना दिया और आपने बोल दिया कि ये अशोक सम्राट का है, बस पागल हो जाएंगे उसको देखने के लिए लोग, तो हो गया, अशोक सम्राट का था कि नहीं था पता नहीं, पैसे दे रहे हैं उसे। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच बिगेस्ट कंट्रीज आर अर्निंग। तो ये कुछ थाईलैंड और श्रीलंका जैसी कंट्री, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, हालांकि श्रीलंका और केरला का पोर्शन इक्वेटर से बहुत नजदीक है, इसलिए थोड़ा वहां पे जल जाते हैं लोग, लेकिन देन ऑल्सो ये कंट्रीज, जमैका का ये है अफ्रीकन कंट्रीज में से एक आती है। चलिए ओके, ये डिजिट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको जो बताया सिर्फ आपके अपने नॉलेज के लिए कि कंट्री अर्न किस तरह करती है पहले, ओके, वो आपको एम्प्लॉयमेंट कैसे देगी जब तक आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं होगा। गांव में दुकान नहीं खुलेगा तो सबको कैसे नौकरी मिलेगी, सबको बाहर ही जाना पड़ेगा, इसलिए कहती है अगर हम ही दुकान खोल दे तो सब हमारे वहां ही आएंगे। थर्ड है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम तो अपने 130 को उन्होंने मीडियम बोल रखा है,
130 को उन्होंने मीडियम बोल रखा है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ये कंट्री भी काफी पुअर है। इसको कुछ जैसे हमारे देश में, हमें देश में है ना, कॉलोनाइज किया गया था। इस वर्ड का मतलब एग्जैक्ट होता है ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली इंडिया को बांध के रखा था। सिमिलरली साउथ अफ्रीका को स्लेव बना के रखा था। स्लेव वर्ड का मतलब आपको पता होगा, स्लेव बना के रखा काफी लंबे समय तक। इसके कारण से ये कंट्री उभर नहीं पाई। अभी कुछ कुछ कंट्री है इसके अंदर, केप टाउन इसमें आता है साउथ अफ्रीका में। हाँ, तो केप टाउन काफी अच्छी कंट्री, क्योंकि मैंने रेस पिक्चर में देखी, बाकी का कोई कंट्री पता नहीं। इराक, यस, एक और चीज, ये दोनों भाई भाई है, बस इसमें क्यों, व्हाई, एन और क्यू का ही डिफरेंस है। प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म काफी डिस्टर्ब करती है। अब एक ये फैक्टर जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, टेररिज्म जो हमारे बाद जो लेफ्ट हैंड पे पाकिस्तान है, सॉरी इधर पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर इस तरफ पाकिस्तान, तो ये भी हमको तंग करने में लगी रहती है। ओके, पहले हमारे यहाँ थे, अब इनके वहां प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी एक केस है कि डेवलपमेंट अटकाने का काम भी टेररिज्म करती है। ये जो कुछ कंट्रीज है टेररिज्म इतना अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करती है, बरोबर है, यहाँ भी खर्च कर रही है डिफेंस पे बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे करप्शन की मात्रा कम है। सबको केक कटेगा सब में बटेगा, वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ केक कटेगा मैं खाऊंगा तो भूखे रहो, ये चलता है यहाँ पे। इसका कारण से कि जो खाऊंगा सब मैं ही खाऊंगा, तो दिस प्रोसेस कारण यहाँ पे, यहाँ टेररिज्म के कारण से यहाँ स्लेवरी और भुखमरी, एंड यहाँ पे टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया। लास्ट देखते हैं लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सिंपल भाषा में समझे, दो भाई थे इंडिया पाकिस्तान, पहले साथ में रहते थे। पाकिस्तान बहुत नालायक था, मम्मी ने उसको भगा दिया, इंडिया बहुत लायक बच्चा था, उसको बड़ा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को पता है। ओके, तो पाकिस्तान से यहाँ नहीं है, तो बहुत नालायक बच्चा था और मम्मी उसको मानती थी। नालायक बच्चे को बहुत गुस्सा आया, नालायक ने किसका सपोर्ट लिया, मतलब हम वेपन नहीं लेंगे, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं होने देंगे, वो एक टीम बनाई गई थी, उसमें ये इंडिया सपोर्ट में आई, और अमेरिका उस टीम में था कि मार ही दो सबको न्यूक्लियर वॉर के अंदर, तो इसने उसको सपोर्ट नहीं किया, पर ये नालायक बच्चे ने उसका सपोर्ट किया, इसलिए ये इसके सपोर्ट में आज तक, और ये इसको तंग कर रहा है माया इसको होके, क्योंकि पाकिस्तान में जितना टेररिज्म, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं, मीडियम लो डेवलपमेंट है, तो यहाँ के यंग लोगों को भड़काया जाता है, उनको पे करने का मौका दे देते हैं कि आपको इतना रुपए मिलेंगे, बस वहां खड़े रहना, दो सेकंड में फूट जाओगे, तो उसको दे देंगे इतना बड़ा अमाउंट। तो ये जो नालायक बच्चा था, इनके पास गए, उन्होंने इसकी मदद की और हम खतरे में, मतलब 130% जो हमारा 30th रैंक है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, इनके वजह से भी है। ओके, वो नहीं होता कोई ये अच्छा पढ़ रही है, ये अच्छा पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे, तो उसका भी जाके नुकसान कर दो, वो भी हमें गड्ढे में जाएगा। हाँ, झेल ले, नाम दोनों खराब हो, अब ये तो कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ केन्या पाकिस्तान, ये केन्या का पहला मैंने अपने लाइफ में कब सुना था, T20 की मैच होती है तो केन्या आती है खेलने के, क्यों आती है वो, हम ये वो मैच टीम आती है जब केन्या खेलती, तब मुझे पता चला केन्या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में से एक कंट्री है, आई होप सो। फिर जिम्बाब्वे भी तब आती है, नाइजीरिया और नाइजर और पाकिस्तान। सी, अभी जो हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमारा उसका काफी खासा झगड़ा हो गया, जिसमें हमने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से भी काफी लोग को वापस कर दिया, जैसे कि अतीफ असलम थे, खूबसूरत चरवाला था, उसको भी घर भेज दिया, अतीफ असलम को भी घर भेज दिया, फिर वो रईस मूवी की हीरोइन थी उनको भी घर भेज दिया, मतलब हमने, हमारा मूड खराब हुआ, फिर वो नालायक बच्चों को हमने सीधा कर दिया। द फैक्ट इज दैट ये कंट्रीज का रेट ये कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, बट ये कंट्रीज दुनिया भर में जानी मानी है सिर्फ अपने नॉलेज, टेक्नोलॉजी और करप्शन लेस और टेररिज्म लेस की वजह से। इसलिए अब यहाँ से इस सब में कॉमन क्या हो सकता है इसको आगे बढ़ाने का?
का सिर्फ एक एजुकेशन, ओके, यहाँ से बच्चे दुनिया भर में पढ़ने जाते हैं ताकि एजुकेशन कलेक्ट कर सके, कुछ 1% वापस लौट के आते हैं इंडिया को चेंज करने के लिए, ओके, तो हम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन फिर हमें अगर आज 135 करोड़ अगर पब्लिक मान ले तो 100 साल लग जाएंगे इसको यहां से यहां लाते लाते, दिस इज अ फैक्ट। आगे बढ़े हम इन ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, इन दिस रिपोर्ट नाइजर इज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, दैट इज एट 188th पोजीशन विद 0.348। ये जो कंट्री है नाइजर, इसका नाम नहीं सुना हमने, ये 188th पोजीशन पे है। जस्ट इमेजिन उस कंट्री की कंडीशन आज की तारीख में कितनी वर्स्ट होगी। 8 HDI क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कंट्रीज विद ह्यूमन डेवलपमेंट डिवीजन ऑर्डर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेन कंट्रीज। 1 Highest human development. आगे जाने दे इसको. One, let's see. Once it's clear, you know. Zero out. One, two. Nigeria, Zimbabwe. Human development index of India was 0.428 in the year 9. इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि exactly ये statistically बता रहा है कि हम 0.609 में कितने सालों में बढ़े हैं, मतलब 2015 में 0.609 था, आज 2021 है, तो मुझे जहां तक लगता है 0.609 से कुछ बढ़ा नहीं होगा, बिकॉज हम बीच में 2018 में हमारा ग्राफ, आई एक्सपेक्ट, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत पता है पेपर मैंने देखा था, थोड़ी ग्राफ ऊपर गई थी, लेकिन कोरोना के कारण ये 2021 में भी वापस डाउन हो गया होगा। तुम्हारा लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया है, 1990 तुम कुछ बोल रही थी, 0.496 in the year 2000, 0.586 in the year 2010, 0.604 in the year 2014, and 0.609 in the year 2015. Thus, progressive improvement has been observed. Position of India and its name. Sir, we have to look at this. This is our favorite place, Maldives. This is our dushman China. ये चीज पता नहीं चल रही, महा पावरफुल हो चुका है चाइना ऑफिशियली, इंडिया से ज्यादा पब्लिक उसकी वहां है, सब एक जैसे दिखते हैं, इतनी पावर है, फिजियोग्राफिकली बहुत बड़ा है, रेडमी के फोन पूरे इंडिया में बेच दिया उसने, रियलमी पोको ओप्पो सब बेच रहा है, वो इतना कमा रहा है, फिर भी उसको हमारी जमीन चाहिए, हमको शांति से जीना ही नहीं देना चाहता वो। तो ये आप देख सकते हैं कि पोजिशन ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, हालांकि कहते हैं नेबर अच्छे होते हैं, यहाँ पे नेबर ही हमारे खाने के लिए बैठे हुए हैं, ये बांग्लादेश का भी अभी रिसेंट कुछ मैटर हुआ था, रोहिंग्या मुसलमान के बारे में आपने से तुमने सुना है, रोहिंग्या मुसलमान ये कुछ पहले पेपर में आया था, जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग हूं तो, रोहिंग्या मुसलमान जो कहां से आए थे पता नहीं, पर यहां घुस गए जाते, हाँ ये कंट्री से आए थे, यस ये कंट्री काफी शांत कंट्री, तो इसमें पलक जैसे बच्चे आराम से रह सकते, कोई मगज मार नहीं है, तो ये म्यांमार वो कंट्री है, तो ये बुद्धिज्म की कंट्री है, सब गाय जैसे शांत है, लेकिन लड़ते बहुत खराब है, वो बुद्धिज्म लगता है बहुत सीधे साधे, पर वो तीन सेकंड में यूं चुप, तो वो थोड़ा ऐसे, तो ये रोहिंग्या मुसलमान यहाँ थे भरा हुआ था, तो यहाँ ला दिया, तो कोई फैक्ट नहीं है। तो ये कुछ HDI में बताया कि ग्राफ हम कितने आगे हैं, 0.609 जो आपने पहले पढ़ा, 0.6 का रेटिंग था, ये याद कर लेना, 0.6 इंडिया, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, श्रीलंका ऑब्वियसली आगे है हमसे, आप देख सकते हैं फिजियोग्राफी, मैंने बताया आपको किस 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 रीजन से, चाइना, यस देखिए इंडिया में भी, अपने गुजरात में भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे गुजरात के अंदर टूरिज्म को पकड़ देने के लिए अपने जो श्री मोदी जी है उन्होंने दो चीज, एक जू बनाया है, हाँ, और इधर रिवर फ्रंट के लिए प्लेन की चालू की, हाँ प्लेन चालू की, और ट्रेन चालू किया है कालूपुर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए, इसका चार्ज 150 से लेकर 800 तक जा रहा है, मैंने वो रेटिंग देखी थी, मींस व्हाट, हम पकड़ अपना धीरे धीरे आज की तारीख में बढ़ा रहे हैं मोदी सरकार के,
अंडर, दिस इज अ वेरी बेनिफिट ऑप्शन। ओके, बाकी श्रीलंका, फिर चाइना, फिर मालदीव, फिर इंडस। लेट मी देखिए, हम मालदीव के पास कोई लैपटॉप की दुकान नहीं है, देन ऑल्सो इतना सारा उन्होंने प्रगति कर लिया है। ओके, दैट्स इट। अगर एक तेज दिमाग और उसके साथ एक पूरी टीम बैठेगी कोई भी एसोसिएशन के लिए, तो ये आराम से ग्राफ ऊपर बैठ सकती है। हमको सिर्फ फिर भूटान, बांग्लादेश, आपको पता है नेपाल करेंसी इंडिया से डाउन है और नेपाल में ऑक्यूपेशन की उतनी अच्छी इंप्लॉयमेंट नहीं है। पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान, दिस इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान। ये हम पहले ट्रेड, यानी 1400 से पहले ट्रेड हम वाया अफगानिस्तान ही करा करते थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो। यहाँ से डायरेक्ट आता था सब कुछ, लेकिन टैक्स पड़ने के कारण से सी रूट चला और वास्को द गामा ने सब रीडूट ढूंढ लिया इस तरह से। स्टिल यहाँ पे भी टेररिज्म की इश्यू है। बगदाद, बगदाद अफगानिस्तान में ही है ना, बगदाद इराक में है, हाँ वहां पे आए दिन बम फोड़ते रहते। तो यानी ये वहां पे इस तरह से कम है, दैट्स इट। कुछ खास इसमें है नहीं, इतना याद कर लेना क्योंकि अपने को इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट, ज्यादा कुछ। Neighboring countries as per Human Development Report. Order 73. Country 3. Sri Lanka, China, Maldives is much better and are ranked above India in Human Development Index. Bhutan. हाँ देखिए, जैसा कि आपको टाइम में बताया उन्होंने कि मालदीव और श्रीलंका फिर भी हमसे आगे है। मालदीव तो सिर्फ थूक दिया हो ऐसा लग रहा है, देखो ध्यान से। देट इज देयर आल्सो, वो हमसे कितना आगे है, 100 रैंक है देयर आल्सो मालदीव। इसीलिए सारे सेलिब्रिटीज कहीं मूड थकावट होती जाओ मालदीव घूमने के लिए और फोटो चढ़ा देते हैं सब लोग। तो श्रीलंका कोई घूमने नहीं जाता, अपने से कोई इंडिया से बाहर अभी तक गया है? गुजरात से बाहर, मतलब घूमने के लिए प्रॉपर शिमला सब डेस्टिनेशन पे, दैट्स इट। तो ये बोलता तुम कहाँ गए बेटा, अरे वो यू करके बैठे आगे बढ़े आप, दैट्स इट। सिर्फ स्टेट्स, इतने सारे कंट्रीज हैं और उनके रैंक सिस्टम, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Myanmar, and Afghanistan are ranked below. हमको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, सॉरी मालदीव, श्रीलंका हमसे आगे हैं, हम बीच में पड़ रहे हैं, ओके, और बाकी के सब हमसे पीछे हैं। चाइना भी बहुत आगे है। That's it. हाँ ये पॉइंट है। तो तुम देख सकते हो कि फिजियोग्राफिकली भी श्रीलंका आगे है, तो घर में उनके 6-7 लोग मार मार आए, उतना ही कमाना उतना ही खाना। इनको तो सिर्फ ये तो अच्छा है कि यहीं तक है, तो इधर के भी एरिया ले लेंगे, इनका कोई बस चले ना, ये समुद्र बोलेंगे चाइना समुद्र है पूरा, इतने नालायक है ये लोग। दैट्स कि इनका थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये आई मुझे ऐसा लग रहा है एस ऐसे कॉन्सेप्ट से या हिस्ट्री की या जमीन कॉन्सेप्ट से इनको लगता है अभी भी हम 90s के जमाने में चल रहे हैं। राजा महाराजा के टाइम पे यही चलता था, सब मुझे चाहिए, काट काट के सबको ले देंगे। ये मैं ये जो बॉर्डर का एक तो बॉर्डर दिख रही है, वरना ये तो कहेंगे आप अधू मारू छे हम लड़ने ना दे, अगर हम लड़ने ना जाते ना तो ये आर्मी वो भी हमारी ही है, ये बोल रहे हैं चिल्ले। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ की लोग भी उसी दिन से दिखते हैं, 15 लाइन सिखा देंगे ना इनको, 15 लाइन तो हमको सब बताया करने वाला है कि क्यों क्यों हमको क्या बोल रहा है, तो राइट बोल रहा है। तो फैक्ट इज कि ये लोग लिटरली एग्रेशन के मूड में है और इनको रोकना बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड थे वो श्याम संगीत का गुरु था, चाहे नाम याद नहीं है, वो भी इनके कंट्रोल में है क्योंकि इन्होंने खिला खिला के सबको वो कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है ऑल ओवर, क्योंकि ये अब अमेरिका से भी पंगा नहीं, अमेरिका भी इससे पंगा नहीं ले रहा है। जस्ट इमेजिन, वो जो मैंने नहीं आपको बोला था कि आपको फाइटिंग मोड में आना चाहिए, तो ये कुछ फाइटिंग मोड में आ गए हैं।
ओके, एक तो फैलाया इतना गंदा इन्होंने पूरे दुनिया में,